नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस के एक नए जॉब के बारे में, वैकेंसी के बारे में। अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन इंडियन पोस्ट ऑफिस बैंक ने अपडेट किया, तो इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ज्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी का कुछ फायदा हो सके। दोस्तों, इंडियन पोस्ट ऑफिस ने 25 अक्टूबर 2018 को पश्चिम बंगाल सर्कल के लिए इंडियन पोस्ट ऑफिस में डाकिया और मेल गार्ड की सीधी भर्ती के लिए आवेदन स्टार्ट कर दिया, ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात को हम जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी खोला हुआ है, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो एज लिमिट आपका होना चाहिए, 18 से 27 आपका एज लिमिट होना चाहिए। और जो वेतन है, पे स्केल है, वो 21,700 से 36,100 रुपए तक है। उसके बाद देखिएगा, आपको अगर आप SC ST में आते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC में आते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, दिव्यांग के लिए 10 साल, 15 साल और 13 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और बाकी आप देख लीजिएगा। और आगे हम कुछ देख लेते हैं। तो आपका जो आयु सीमा होना चाहिए वो 24/11/2018 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इससे फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास मिनिमम 12 पास होना चाहिए। 12 पास अगर आप है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, मतलब जिस जगह के लिए आप अप्लाई करेंगे वहां का स्थानीय भाषा आपको पता होना चाहिए, और कम से कम 10वीं तक स्थानीय भाषा आपने पढ़ी भी होनी चाहिए, मतलब आपके सिलेबस में होनी चाहिए स्थानीय भाषा। अब हम बात करेंगे स्थानीय भाषा क्या क्या है, और साथ में कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, बेसिक ज्ञान होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। और आपको दो पहिया वाहन या मोटरसाइकिल का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। दिव्यांग अगर आप हैं तो आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होगा, आपको लाइसेंस में छूट मिल जाएगा। अब स्थानीय भाषा यहाँ पे चाहिए बांग्ला, नेपाली। अगर आप वेस्ट बंगाल सर्कल के लिए अप्लाई करते हैं तो, सिक्किम के लिए अप्लाई करते हैं तो नेपाली आपको आना चाहिए, अंडमान अंडमान के लिए अप्लाई करते हैं तो हिंदी और बांग्ला में से कोई एक लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए। अगर हिंदी भी आता है आपको तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं परीक्षा के पैटर्न के बारे में। तो परीक्षा यहाँ पे ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है, परीक्षा हो सकता है कि ऑनलाइन हो। अभी हम देख लेते हैं नीचे कुछ दिया है कि नहीं अपडेट है। और यहाँ पे 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन है सामान्य ज्ञान, दूसरा सेक्शन है गणित, तीसरा सेक्शन है अंग्रेजी, चौथा सेक्शन है क्षेत्रीय भाषा। मतलब क्षेत्रीय भाषा अगर आपने हिंदी अप्लाई किया है तो हिंदी के लिए यहाँ देख सकते हैं सिलेबस क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिक सा सिलेबस है, और सभी सेक्शन कितने के हैं, 4-4, 25-25 मिनट, 25-25 अंक के हैं, और टोटल 100 प्रश्नों की संख्या 100 होगी, और एक प्रश्न एक नंबर के होते हैं। और यहाँ देखिएगा, यह परीक्षा 120 मिनट की होगी, जिसमें एक दिन में कुल 4 भाग होंगे, मतलब 4 सेक्शन यहाँ पे है, प्रत्येक भाग 25 अंकों का होगा, तो 4 भागों का कुल अंक 100 होगा, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा यहाँ पे। उसके बाद और भी कुछ हम इम्पोर्टेंट बात को यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ लिखा नहीं है, ऐसे नेगेटिव मार्किंग शायद होता नहीं है। अब देख लेते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 में नहीं 10 40 से कम से कम 40% लाना होगा, मतलब हर एक सेक्शन में आपको पास होने के लिए 10 नंबर चाहिए। अगर 10 नंबर से कम आता है किसी एक सेक्शन में तो आप फेल माने जाएंगे, ठीक है। तो कम से कम ध्यान रखिएगा कि 10 नंबर आपका मिनिमम आ जाए, जो भी सेक्शन आपका वीक होगा। अगर आप OBC में आते हैं तो 9 अंक लाना होगा 37 में से, मतलब हर एक सेक्शन में 9 लाना होगा। और अगर आप अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो 8 नंबर आपको लाना होगा, ठीक है, मतलब 40% आपको टोटल का 40% लाना होगा। आगे हम देख लेते हैं, आवेदन पत्र पंजीकरण का मूल्य कितना है, 100 रुपए, इसके अलावा 20 रुपए आपको कमीशन देना होगा। उसके बाद परीक्षा शुल्क सामान्य एवं OBC, सामान्य एवं OBC के लिए 400 रुपए है,
तो टोटल आपको लग जाएगा 520 रुपये, 120 रुपये आवेदन पत्र पंजीकरण मूल्य है, और 400 रुपये आपका अप्लीकेशन फी है। मतलब 520 रुपये आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए अप्लीकेशन फी है। आगे हम देख लेते हैं कुछ और अपडेट हो तो, यहाँ देख सकते हैं वेबसाइट दिया है, जितने भी इम्पोर्टेंट वेबसाइट लिंक होंगे, वेबसाइट होंगे उनको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डायरेक्ट अपने इम्पोर्टेंट लिंक को चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अप्लीकेशन का भी लिंक मैं दे दूंगा। अब देखिए फोटो और सिग्नेचर के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, फोटो अधिकतम 50 KB का होना चाहिए, न्यूनतम 20 KB का होना चाहिए, और जो फॉर्मेट होना चाहिए जेपीजी, जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, और सिग्नेचर आपका 20 KB तक होना चाहिए, मतलब 20 KB से नीचे होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। एक आवेदन के लिए केवल एक मतलब एक जगह से ही आपको आवेदन फिल करना है, पे सभी जगह से अगर आवेदन फिल करते हैं तो आपका फॉर्म हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए। और भी कुछ है? जो अब जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मुझे दिख नहीं रहा है, तो इस फॉर्म को आप 24/11/2018 से पहले कभी भी आवेदन कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक होंगे, आवेदन के लिंक होंगे, मैं उनको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस फॉर्म को मोबाइल से नहीं फिल कर सकते, आपको इस फॉर्म को कंप्यूटर से फिल करना होगा।